गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4.3, ठीक है। और उसका जो क्वेश्चन वन है, द नेम द एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें सिर्फ हमारे पास इस फिगर में से कितने एंगल हमें मिल सकते हैं ये हम लिख सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एंगल जो होगा वो है एंगल ए, ठीक है। और आप उसको इस तरह से लिख सकते हो एंगल ए, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल डी ए बी, या तो फिर एंगल बी ए डी, यानी कि एंगल बी ए डी, ठीक है। आप दोनों तरफ से लिख सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि जो मेन एंगल जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है दो रेस के कारण, यहाँ पे आप दो रेस जो है वो होगी बी ए और ए डी। तो इस दो रेस के कारण जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट मिडल में आना चाहिए, अगर हम पूरा मेजर एंगल लिख रहे हैं तो, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो साइड दोनों ही बार जो मेजर एंगल जो हमारा ए है वो बीच में है, ठीक है। उसी तरह आप सेकंड एंगल को फाइंड करते हैं, तो सेकंड एंगल होगा हमारा एंगल बी, ओके। तो एंगल बी यहाँ पर है। अब उसका जो आप इस तरह से भी लिख सकते हो एंगल बी, और ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी, या तो फिर एंगल सी बी ए, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। सेम वे हमारा थर्ड एंगल जो होगा वो होगा एंगल सी। तो एंगल सी को आप नॉर्मल वे में भी लिख सकते हो, या तो फिर एंगल जो लिखा है बी सी डी, बी सी डी, या तो फिर डी सी बी, जो यहाँ पे भी मैंने लिखा है डी सी बी, ओके। तो यहाँ पे मेन बात यही रहेगी कि जो जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल या वो पॉइंट जो है, अगर आप पूरा एंगल लिख रहे हो तो वो बीच में ही रहना चाहिए। जो यहाँ पे अगर सी एंगल है तो हमारा सी जो है वो बीच में ही है, ठीक है। सिर्फ उसके रे के पॉइंट हो है वही चेंज हुए है। अब सेम वे हम एंगल जो फोर्थ है हमारा वो है एंगल डी। तो हमने सिंपल वे में एंगल डी लिखा है, या तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल सी डी ए, जो यहाँ पे मैंने लिखा है सी डी ए, या तो फिर एंगल ए डी सी, रिवर्स में जाना है एंगल ए डी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस फिगर से चार एंगल मिलते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ करके लिख सकते हो, या तो फिर पूरा लिख सकते हो नोटबुक्स में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन टू की तरफ आते हैं। क्वेश्चन टू में ये जो फिगर दिया है, हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है। यानी कि हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या पॉइंट एंगल के एक्सटीरियर पोर्शन में है या तो फिर इंटीरियर पोर्शन में है। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो हमें ये बताना है कि एंगल डी ओ ई के इंटीरियर पोर्शन में कौन सा एंगल है। तो ये देखिए, ये जो लाइन्स है जो मैं अभी कर रहा हूँ वो इंटीरियर पोर्शन को शो करती है एंगल डी ओ ई का, और उसमें साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए इंटीरियर पोर्शन ऑफ एंगल डी ओ ई में आ रहा है, यानी उसके अंदर के तरफ है, अंदर इनसाइड दैट एंगल है, ठीक है, यानी कि उस एंगल के इनसाइड पोर्शन में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई इज ए, यानी कि एंगल ए इनसाइड इंटीरियर पोर्शन डी ओ ई के इंटीरियर पोर्शन में है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते, इफ़ द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ यानी एंगल ई ओ एफ के एक्सटीरियर पोर्शन में कौन सा पॉइंट है। सिंपली है, जहाँ पे मैंने ये रेस करके रखी है वो सब इंटीरियर पोर्शन है एंगल ई ओ एफ के, और ये जो बाहर का इलाका है वो है एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ एंगल ई ओ एफ। साथ में ये पोर्शन भी एक्सटीरियर हो जाएगा ई ओ एफ के लिए, क्योंकि ई ओ एफ तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है,
ठीक है, ये सिर्फ इंटीरियर पोर्शन ही ई ओ एफ का है, बाकी के दोनों साइड के पोर्शन राइट और लेफ्ट ये और ये एक्सटीरियर कहलाएंगे ई ओ एफ के लिए। तो देखते हैं कि कौन से पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सी, जो उसके लेफ्ट साइड में है एंगल के, ठीक है। मैं उस एंगल को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा सी, फिर ए, ठीक है, पॉइंट ए, देन पॉइंट डी, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स जो है वो एफ के एक्सटीरियर पोर्शन में है, ठीक है, दैट इज सी डी ए, क्योंकि वो ए सी और डी बाहर के तरफ है, एकदम बाहर है, ठीक है, जबकि ये सब उससे अटैच है, बी अटैच है, बट ए और डी एकदम बाहर की तरफ है। हम इसलिए बी को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो ओ ई के रे के साथ में ही है। तो ए डी यहाँ पे राइट साइड में और लेफ्ट में है सी, ओके। अब थर्ड चीज़, ऑन ई ओ एफ, यानी कि एंगल ई ओ एफ पे कौन सा पॉइंट है, ना तो बाहर है ना तो इंटीरियर यानी अंदर है, लेकिन उसके ऊपर है। तो ई ओ एफ के ऊपर जो पॉइंट है वो है पॉइंट बी, क्योंकि आप देख सकते हो कि रो ओ ई के ऊपर जो है वो पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ पे बी है, देन यहाँ ई, देन ओ, और देन ये एफ, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है वो रेज़ के ऊपर ही है, ठीक है, ये आप जो रेज़ देख रहे हो उसके ऊपर ही है, ना तो बाहर है ना तो अंदर की तरफ है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ई बी ओ एफ, ओके। तो पॉइंट्स ऑन द ई ओ एफ, तो इनमें से ये तीन तो कॉमन ही निकल जाएंगे, ठीक है, जो आपको एडिशन करना होगा वो होगा पॉइंट बी का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। थैंक यू।